स्टूडेंट इन्फो। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है और यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है एएमयू बीकॉम के लिए, अभी कुछ ही मिनटों के बाद जो स्टूडेंट है वो यहाँ से बाहर आएंगे तो हम लोग उनका एक्सपीरियंस जो रहा है, उनकी तैयारी कैसी हुई है और ख़ास तौर से एग्ज़ाम हॉल में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ताकि जो लोग नेक्स्ट एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो अभी बने रही हमारे साथ, जैसे स्टूडेंट आएंगे हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन पैटर्न क्या था। और दिल्ली गेट से, दिल्ली गेट से आया, मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ। आसमी गेट, कौन से गेट? खिरनी गेट, आगरा रोड पे। ओके, अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? बीकॉम का। बीकॉम का एंट्रेंस हो रहा था, इसमें बेसिकली कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन के एरिया आपको पता है, मतलब कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं बेसिकली? 9 से 12 क्लास तक के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, किस अकाउंट से रिलेटेड, मैथमेटिक्स भी होता है थोड़ा बहुत, मैथमेटिक्स, इंग्लिश होता है। आपने टोटल कितने अटेम्प्ट करे? लगभग 70। अच्छा, आपने इसकी तैयारी कैसे करा था? कुछ स्पेशल बुक लिया था या प्रीवियस ईयर पेपर या कोई? नॉर्मली 12th और 11th की पढ़ाई करी थी, वही करके आए। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर बीकॉम के लिए एमयू एंट्रेंस के लिए तैयारी करें उनके लिए कोई मैसेज कि उन्हें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कुछ बताना चाहेंगे उनको? मेनली तो अकाउंट्स ही आते हैं और रीजनिंग ज़्यादा आती है, तो उनको किस पे फोकस करना चाहिए, यही बेसिक चीज़ें हैं। चलो, कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से। अच्छा, नोएडा से आया, इतनी दूर चल के आए, एमयू का पेपर दे रहा है, किस चीज़ का पेपर हो रहा था? मेरा कॉमर्स का। अच्छा, बीकॉम का पेपर हो रहा था, इसमें क्वेश्चन जो एरिया है वो क्या क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकाउंट से, पूछे जाते हैं बिजनेस स्टडीज़ के भी होते हैं कुछ, और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। अच्छा, ये इसकी तैयारी इन सारे सेक्शन को तैयार करने के लिए एंट्रेंस के लिए कहाँ से आपने कवर करा था? एक कवर करने के लिए बुक से पढ़नी पड़ती है, बाकी इंग्लिश तो आपकी जनरल होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बाकी उसमें ज़्यादा मार्क्स कवर होते हैं। आपने कहाँ से करा था? मैंने नेट से करा था। नेट से करा था, कोई बुक लिया था? नहीं। एमयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था आपने? हाँ देखा था। कितने सालों का देखा था? एक साल का देखा था। एक साल का क्वेश्चन पेपर देखा था, उससे क्या कुछ आइडिया मिला था? उसे क्या कुछ आइडिया, मैंने पहले भी एक बार दिया था तो उसमें मेरा खास कुछ गया नहीं था, तो इसलिए। जो लोग नेक्स्ट ईयर बीकॉम के लिए तैयारी कर रहे हैं एमयू के लिए, उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश? नहीं, थैंक यू। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें कैसी तैयारी करनी चाहिए? अपनी बुक्स पढ़िए और मेन आप ना इंग्लिश पे फोकस करिए, क्योंकि वो 25 मार्क्स की आते हैं टोटल। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ। आप तो कहाँ से आए? हाथरस से। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था यहाँ पे? बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, बीकॉम ऑनर्स का पेपर हो रहा था, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, वो 100 क्वेश्चन का एरिया क्या है, सेक्शन कहाँ क्या है जो क्वेश्चन पूछे? इंग्लिश, अकाउंट्स और इको का सबसे ज़्यादा हैवी है, बाकी 30 नंबर में बाकी के जनरल नॉलेज, मैथ्स वगैरह आते हैं। आपने इन सारी चीज़ों को कहाँ से कवर करा था? बुक से और बाकी 12th से। कौन सा बुक करा था? द कॉन्सेप्टम। उसके राइटर का नाम? उसका राइटर आई डोंट नो। ओके, आपको नहीं पता है, लेकिन कोई ऐसा सेक्शन जो करके आपको बहुत अच्छा लगा हो? इंग्लिश और इको। इको वाला जो सेक्शन, उसमें इजी था आपके हिसाब से? जी। मतलब कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा कवर कर रहा था? मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर। जो लोग नेक्स्ट ईयर बीकॉम एमयू के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश, ताकि उनकी जो एंट्रेंस है अच्छे से क्रैक हो सके? काफ़ी कुछ 12th में से ही आया था, बस बाकी बुक में से ही सारा। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। क्या नाम? मेरा नाम अभिनव है। आपका? अर्जुन। आपका? सत्यांश। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? बीकॉम का हो रहा था पेपर। अभी इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन। अभी इसमें जो पेपर आप दे के आ रहे हैं, कोई ऐसा सेक्शन जो आपको टफ लगा हो? नहीं, सब इजी था, ज़्यादा टफ नहीं आया। सब इजी था। आपने तैयारी कहाँ से करा था? जी, मैंने सेल्फ स्टडी करा था। किस पे फोकस था? कौन सा कोई बुक रहा होगा, कोई वेबसाइट रहा? कॉन्सेप्टम। कॉन्सेप्टम पे आपका फोकस था। और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए थे? वो ज़्यादातर ओड मीन का क्वेश्चन ज़्यादातर। इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन थे वो इंग्लिश ग्रामर से कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे? एक तो जी प्रेपोजिशन था, आइटम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनियम एंड सिनोनियम, एक्टिव पैसिव, ये सब थे। वर्ड मीनिंग। अच्छा, मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन था वो किस क्लास लेवल तक का था? मैथमेटिक्स का भी है 12th 11th 12th 10th तक था। अच्छा, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, उसमें ज़्यादा वेटेज रखते हैं इस एग्जाम के लिए, उसकी तैयारी कहाँ से आपने करा था? हमने भैया खुद करी थी। सेल्फ करी थी। कोई बुक लिया रहा होगा उस बुक? अरिहंत की बुक ली थी। अरिहंत की बुक ली थी। उस इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा सेक्शन जो ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहा था आपके हिसाब से? कैसा? मैं बताऊँ आपको, डिमांड वाला। आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा सेक्शन जो ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहा था? जो ज़्यादा कवर कर रहा है वो डिमांड वाला है। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं बीकॉम के लिए एमयू एंट्रेंस के लिए, उनके नाम कोई मैसेज, कोई संदेश, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके? देखिए, पेपर तो काफ़ी ईजी था, पेपर ऐसा था जिसने बोर्ड में तैयारी कर रखी हो उसका आराम से निकल सकता था पेपर। साथ ही साथ इंग्लिश थी, इंग्लिश एक बार को कह सकते हैं काफ़ी थोड़ी टफ आ गई थी, लेवल थोड़ा ऊपर था पिछली बार से। कौन ऐसा सेक्शन जो आपको टफ लग रहा था? इंग्लिश ग्रामर का कोई सेक्शन था? इंग्लिश ग्रामर का कोई सेक्शन नहीं, सिर्फ वही एंटोनियम सिनोनिम वगैरह जो होते हैं बस वही थोड़े टफ थे, बाकी पूरा पेपर बहुत ईजी था। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, मेरा वेटिंग में आगे रह गया था, तो
पिछला लीजिए आया था, इस बार थोड़ा टफ है बट इस बार पिछले साल से ज्यादा अच्छा हुआ है पेपर। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं बीकॉम के लिए, एमयू एंट्रेंस के लिए, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश आपका, आपके हिसाब से उन पे उनको किस चीज? मैं कहूंगा कि आप 15 दिन पहले अगर तैयारी करते हैं अच्छे से, अगर 2 घंटे भी देंगे दिन के, तो आपका आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे। आपके हिसाब से क्या मैसेज, क्या संदेश होना चाहिए भैया? बस क्या कहते हैं, ऐसे ही 15-20 दिन पहले आराम से आप तैयारी करिए मस्त अपनी, आपका नंबर बिल्कुल रखा हुआ है। आपके हिसाब से कोई मैसेज, कोई संदेश उन स्टूडेंट के नाम जो कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, अगर आप 1 महीने पहले भी करते हैं स्टडी अच्छे से लग के, आप 1 महीना बता रहे, 1 महीना या 15 दिन जो भी है, उस 15 दिन में क्या ऐसा सेक्शन है जिसको कवर करके अच्छा मार्क कर सकते हैं? सारी सेक्शन कवर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर वो कॉन्सेप्ट बहुत एएमयू में पूछी जाती है, उसमें से क्वेश्चन काफी आते हैं, आप कॉन्सेप्ट